छतरपुर में नकाबपोश बदमाशों ने एसडीएम की गाड़ी और दफ्तर पर हमला कर दिया। इस हमले में एसडीएम अनिल सबकाले बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक एसडीएम अनिल सबकाले सुबह अपने दफ्तर में बैठक कर काम कर रहे थे। इसी दौरान कुछ नकाबपोश लोग आए और उनके कक्ष में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही बाहर खड़ी उनकी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की है। साहब ने सूचना दिया था कि वो ऑफिस में काम कर रहे थे, वो करीब 8:50 पे आना बता रहे हैं। 9 बजे के से लेकर 9:10 के करीब कुछ लोगों ने, अभी तक नाम या कोई संख्या ज्ञात नहीं है, उन्होंने गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है, चैम्बर को कांच फोड़ा है और इनका कहना है कि फायर हुए हैं। इसके संबंध में FSL टीम, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, SP साहब, एडिशनल साहब, सभी लोग आए हैं और इसका जांच की जा रही है और FIR लिख के जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या भूमाफियाओं ने हमला करवाया है या क्या है? ये अभी ऐसा कोई वो नहीं है, जब विवेचना में इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई। ये हुआ मामला, ये 9 बजे आप क्या कर रही थी यहाँ पे? काम कर रहे थे। कितने लोग थे हमला करने वाले? 5। और गाड़ी में कौन कौन बैठा था? गाड़ी में कोई नहीं था, अंधा थे साहब अंधर थे। क्या नाम है आपका? हर भाई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले में सुराग जुटाने लगी। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है भूमाफिया के द्वारा ही या उनके लोगों के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शंका जताई जा रही है कि हमला करने वाले भूमाफिया या उनसे जुड़े लोग थे, हालांकि पुलिस ने अभी भी खुलासा नहीं किया। मामले की जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवार न्यूज, छतरपुर।